हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है तरुण कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, ये है वन लाइनर टेक न्यूज, यानी कि आज फिर से मैं आप लोगों के लिए पूरे दिन भर की कुछ एक शॉर्ट टेक न्यूज लेकर आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज का ये एपिसोड। दोस्तों, यहां पर जो पहली टेक न्यूज आ रही है वो 5G टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है। आप लोगों को पता है कुछ कंट्रीज में जैसे US वगैरह में जो है हुआवे को बैन किया गया है, उनके जो सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ पर बैन कर दिए गए हैं। लेकिन अब हुआवे को एक बड़ी डील यहाँ पर मिली है रशियन टेलीकॉम कंपनी से। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो है एक डील साइन की है 5G को लेकर MTS के साथ में। तो अब जो है MTS के साथ में मिलकर हुआवे जो है रशिया में जो है 5G टेक्नोलॉजी लेकर आने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया में भी जो है हुआवे पर विचार किया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर नए टेलीकॉम मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने कहा है कि अभी हम इस पर विचार करें, लेकिन बाद में देखा जाएगा कि हुआवे को इंडिया में जो है 5G टेक्नोलॉजी के ट्रायल्स में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है। सेकंड न्यूज दोस्तों, यहां पर जो है Mi.com को लेकर आ रही है, यानी कि Xiaomi की तरफ से आ रही है। अब आप Mi.com के जरिए या जो उनका Mi स्टोर ऐप है उसके जरिए कोई भी अगर आप जो है यहां पर सामान परचेज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी वाला ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ जो है 150 सिटीज के अंदर मिलेगा और नेक्स्ट डे डिलीवरी के लिए आपको जो है 49 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज की थर्ड न्यूज की तरफ, और आज की जो थर्ड न्यूज आती है दोस्तों वो यहां पर Samsung Galaxy Note 10 को लेकर आ रही है। फिलहाल इसकी जो कीमत है दोस्तों वो यहां पर लीक हुई है और बताया जा रहा है कि इसकी जो कीमत होने वाली है वो करीबन $1200 होने वाली है, यानी कि अगर हम इंडियन करेंसीज में बात करें तो ये करीबन आपको 76,000 से 83,000 रुपीज के आसपास पड़ेगा। तो कीमत यहां पर जो है लगभग 80,000 के आसपास होने वाली है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज यहां पर आ रही है टाटा स्काई की तरफ से कि टाटा स्काई ने जो मल्टी कनेक्शन पॉलिसी है दोस्तों उसको खत्म कर दिया है। यानी कि अब आप जो यहां पर बेनिफिट ले रहे थे सेकंड या थर्ड कनेक्शन पर आपको जो है कम रुपीज वहां पर पे करने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। 15 जून से सभी जो मल्टी कनेक्शन है दोस्तों उस पर आपको अलग से रिचार्ज कराना होगा और पूरा रिचार्ज वहां पर आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि आपको जो है अब यहां पर कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये कुछ यहाँ पर टाटा स्काई ने किया है कि अब आप मल्टी कनेक्शन अगर लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अगर आप 15 जून के बाद में जो मल्टी कनेक्शन आपने लिया हुआ है तो सेकंड जो कनेक्शन होने वाला है अगर आप उसके लिए जो है चैनल पैक जो है यहाँ पर जो सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको जो प्राइमरी कनेक्शन चल रहा है दोस्तों उसी के चैनल्स आपको जो है सेकेंडरी जो है कनेक्शन है उस पर दिखाए जाएंगे और उतना ही चार्ज आपसे लिया जाएगा जो आप प्राइमरी कनेक्शन के लिए पे कर रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज यहां पर आ रही है मोटोरोला की तरफ से कि मोटोरोला का नया स्मार्टफोन मोटो E6 Plus जो है यहां पर Geekbench वेबसाइट पर लिस्ट हुआ है। इसमें आपको 2GB का रैम मिलेगा, एंड्रॉइड पी देखने को मिलेगा और हीलियो P22 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए तो इस स्मार्टफोन के यही जो स्पेसिफिकेशंस है वो Geekbench पर लिस्ट हुए हैं, और इसकी जो कीमत बताई जा रही है दोस्तों वो यहाँ पर जो रियलमी का C1 है करीबन उसके आसपास बताई जा रही है। तो ये शायद आपको करीबन 7 या 8 हज़ार रुपये के आसपास मिलेगा। अगली जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो Realme U1 को लेकर आ रही है कि अब Realme U1 के लिए ColorOS 6 और Android P का जो beta OS है वो यहाँ पर जो है उपलब्ध करा दिया गया है, और इसमें आपको जो ऐप ड्रॉअर वाला फीचर है वो यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा, और जो यहाँ पर स्टेबल अपडेट होगा दोस्तों वो अगले 20 दिनों के बाद में आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की अगली न्यूज़ की तरफ, और आज की जो अगली न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो गूगल मैप्स को लेकर आ रही है कि गूगल मैप्स में दोस्तों यहाँ पर एक नया फीचर जो है ऐड किया गया है। कुछ कंट्रीज़ में ही अब ये फीचर ऐड किया गया है कि अब नेविगेशन के साथ साथ में आपको जो है स्पीडोमीटर वाला फीचर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि आप अपनी स्पीड वहां पर मेजर कर सकते हैं, किसी भी जो है व्हीकल में आप चल रहे हैं तो वहां पर उसकी स्पीड भी शो की जाएगी। तो ये कुछ यहां पर इंटरेस्टिंग फीचर लाया जा रहा है मैप्स के अंदर गूगल के द्वारा, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कुछ ही सेलेक्टेड कंट्रीज के अंदर ये फीचर अवेलेबल है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज आ रही है यहां पर LG की तरफ से नए स्मार्टफोन को लेकर जो कि इंडिया में लॉन्च किया जाने वाला, और ये स्मार्टफोन W सीरीज के तहत इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अमेजन पर फिलहाल ये लिस्ट हो चुका है, और इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, साथ में यहां पर आपको जो नॉच देखने को मिलेगी वो एडजस्टेबल नॉच देखने को मिलेगी, यानी कि आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां पर कुछ आपको जो है सॉफ्टवेयर वाले फीचर दिए जाएंगे, आप नॉच को हाइड भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज आ रही है यहां पर एंड्रॉइड क्यू के Beta 4 अपडेट को लेकर कि फिलहाल जो गूगल पिक्सल डिवाइसेज हैं उन सभी के लिए एंड्रॉइड क्यू का जो 4th अपडेट है वो यहां पर उपलब्ध करा दिया गया है। और अगली न्यूज आती है दोस्तों यहां पर Mi 90 को लेकर कि फिलहाल जो है Mi 90 Geekbench पर लिस्ट हुआ है, और यहां पर जो सारे फीचर्स है वो वही के वही देखने को आपको मिल रहे हैं जो आपको Redmi K20 में मिल रहे थे, यानी कि Redmi K20 का जो है रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है यहां पर Mi 90।
अगली न्यूज आती है दोस्तों यहां पर जो है सैमसंग की तरफ से कि उनका जो स्मार्टफोन है A30 सैमसंग गैलेक्सी A30 में जो है यहां पर नया अपडेट आया OS का और इस अपडेट में अब आपको स्लो मोशन वीडियोस का जो है अपडेट दे दिया गया, यानी कि अब आप जो है कैमरे से स्लो मोशन वीडियोस भी कैप्चर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ एक वन लाइनर सो टेक न्यूज। कैसा लगा हमारे टेक न्यूज का ये एपिसोड नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।